It's a new season, it's a new day. Blessings and prosperity are coming your way. Baatein biti saal gaye ki, baatein nayi hain saal nayi ki. Khushi khabar mein hum aapko welcome karte hain is naye saal mein aur ummeed karte hain ki jis tarah pichle saal aap hamare saath the, is saal bhi aap hamare saath rahenge. आइए हम बेजलियल एंड जेबदिल के साथ मिलके वर्शिप के सेशन में जाएंगे और उसके साथ ही पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलके इस नए टॉपिक को सीखेंगे, प्रेयर एंड फास्टिंग. आइए देखिए. गुड मॉर्निंग, इस खुशी खबर के एक और प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं. आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड ये नया साल है, नई बरकतें हैं, नई खुशियाँ हैं और हम उर्जिंदा खुदा की आज परस्तिश करने वाले हैं, जिसका वादा है कि मैं हर साल आपको नई खुशियाँ दूंगा, हर दिन, बल्कि हर दिन नई खुशियाँ दूंगा, नई बरकतें दूंगा, अपने जलाल के मुआफिक आपको बरकतें देगा वो. आज शाम, आज सुबह, आज उसकी परस्तिश करने वाले हैं. आइए मिलकर उर्जिंदा खुदा की परस्तिश करें और उससे दुआ करें. रब सच मुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है. अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा, अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा. ओ रब सच मुच उसदी सुनदा है, रब सच मुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है. अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा, अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा. ए गल यहोवा दे हजूर, ए गल यहोवा दे हजूर, बद के हुंदी है मंजूर, हाँ बद के हुंदी है मंजूर, जो ढूंढ दे राया हो बादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा, जो ढूंढ दे राया हो बादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा. आवत के उंदी है मंजूर, जो ढूंढ तेरा या हो बादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा, जो ढूंढ तेरा या हो बादा, दिल जिंदा हो बे ओ नादा. खुदा दे ना दी है जुबां, खुदा दे ना दी है जुबां, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने में मनावांगा, बजुर्गी उसदी गावांगा, शुक्राने में मनावांगा, बजुर्गी उसदी गावांगा, शुक्राने में मनावांगा, बजुर्गी उसदी गावांगा. ए रब सच मुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा, अपने असीरानू खुदा फकीर न कदी समझेगा. ये
खुदा देना दी है जुबा, तद करेगी तारीफ बया, शुक्राने में मनावांगा, बजुर्गी उस दी गावांगा, शुक्राने में मनावांगा, बजुर्गी उस दी गावांगा। आसमानी बाप, आपको शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने दिया, इस नए साल के लिए शुक्र करते हैं, इन नई बरकतों के लिए आपका ही शुक्र करते हैं, क्योंकि आप खुदा हैं और आपके जैसा कोई भी नहीं है। आज शाम हमारी परस्तिश पर, आज सुबह आपकी हमारी परस्तिश पर आपका तख्त लगा, आपका शुक्र करते हैं, मांगते हैं और पाते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं, और सबसे पहले हम खुदा के नहाय शुक्रगुजार हैं जिसने आज ये मौका दिया है कि हम खुशी की खबर के एक साल को कंप्लीट कर सके। और आज हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है खुशी की खबर के प्रोग्राम की, और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी फीडबैक्स का नतीजा है, आपकी सपोर्ट का नतीजा है, आपकी तमाम दर जो कोशिशें हैं, आप जहां पर भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, यूएसए में, यूट्यूब पर, जीटीवी पर, खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया कि हम एक साल कंप्लीट कर सकें और ऑन एयर हम खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंचा सकें। हम नहायत शुक्रगुजार हैं जीटीवी के, इनकी सारी टीम के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि बाइबल की बातें आप तक आपकी ज़ुबान में पहुँच सकें। असी तुहाडे बहुत ही शुक्रगुजार हाँ कि तुम इस प्रोग्राम में वेखदे हो, साडे लई दुआ करदे रहो कि रब सानू होर भी आशीष दे, रब सानू होर भी फाइनैंस मुहैया करे कि इस साल असी इस प्रोग्राम नू कंटिन्यू कर सकीए। खुदा जो है वो बरकत का खुदा है। दिस इज़ ईयर 2014 और हम एक बार फिर जीटीवी की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों। हमारी दुआ है कि नया साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का साल हो, आपके लिए हीलिंग का साल हो, आपके लिए ब्रेक थ्रू का साल हो, आपके लिए जो है वो एक मोहब्बत का साल हो। बाइबल में 14th वर्ड जो है 2014 में हम 14th इज़ अ नंबर ऑफ रेस्टोरेशन एंड डिलीवरेंस। बाइबल में 14 का जो नंबर है, अदद है, वो छुटकारे का है, रिहाई का है, नजात का है, डबल पोर्शन का है, क्योंकि 7 जो है वो खुदा की कामलियत का अदद है, डिवाइन कंप्लीशन ऑफ गॉड। सो 7 × 7 इज 14, सो 2 डिवाइन नंबर्स multiplied together plus together is 14, and then 7 × 7 is 49. So 7 ka adad bada ahmiyat ka hamil hai, aur 14th jo hai, actually 14th is the day when the sacrificial lamb was sacrificed. Bible mein iska taluk Yesu Masih ke saath hai. So in our church from today onwards we are having a 21 days fast. हर साल हमने चर्च में 21 दिन का रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग 40 डेज़ का भी रखते हैं, बट दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू। दिस ईयर यू विल रिसीव अ डबल पोर्शन ऑफ व्हाट यू हैव नॉट रिसीव्ड अप टू नाउ। इस साल तुसी दुगना हिस्सा हासिल करोगे उस चीज़ों का जो तुहानू अज तक नहीं मिलिया, क्योंकि 2014 खुदा दी कामलियत दा साल है, डबल कामलियत दा साल है। सो मैं तुहानू दस्सिया सी पिछली दफ़ा भी कि बाइबल सानू कहिंदी है कि अगर साल नवा हो गया तो तुहाडी जिंदगी भी नवी होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि नई मैं जो है वो नई मशकों में भरी जाती है, और अगर हम पुराने साल की गंदगी, पुराने साल की तमाम तर बुरी बातें, आदतें, गंदे काम नए साल में लेकर आएंगे तो नया साल हमारे लिए बरकत का साल नहीं हो सकता। इस नए साल में अपनी सोच को नया करें, अपनी बातों को नया करें। बाइबल में लिखा है कि बस जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। ये साल आपका मसीह यीशु में आने का साल है,
इस साल में आप अपने आप को रूल कुदस में ग्रो करें कि होली स्पिरिट मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, पाकरू मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर कि आज मैंने क्या बोलना है, आज मैंने क्या पहनना है, आज मैंने किसके पास जाना है, मैंने कहां पर जॉब के लिए, ये सारी चीजें रूल कुदस आपको गाइड करेगा। इसलिए हम साल के बिगिनिंग में 21 डेज का फास्ट करते हैं और मेरा आज का टॉपिक जो है वो फास्टिंग एंड प्रेयर है। इस पूरे महीने में हम 21 डेज फास्ट करते हैं और 20 जो इस महीने का आखिरी संडे है उस दिन देयर विल बी अ ग्रेट हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस, एक वड्डी हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस साढ़े चर्च दे विच। अगर तुसी रोजे दे बारे छोड़ जाना चाहते हो कि रोज़ा किस तरह रखी दा है, बाइबल रोजे दे बारे की कहती है, व्हाट द बाइबल सेज अबाउट फास्टिंग, हाउ द फास्टिंग विल ब्रिंग अ ब्लेसिंग एंड ब्रेक थ्रू एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग एंड डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन माय लाइफ, किस तरह रोज़ा मेरी जिंदगी जरा वो रूहानी एक जरा रूहानी बर्ताव लैके आएगा, शफा लैके आएगा, मौजज़े लैके आएगा, माली बरकत लैके आएगा, आशीष लैके आएगा। अगर तुम जानना चाहते हो मोर ए बारे होर जानना चाहते हो तो अज शामी 5 बजे स्टर्लिंग वर्जीनिया दे विच साढ़े चर्च एक स्पैशल सर्विस है। अज असी रोजे का इब्तदा कर रहे हैं, अज वील स्टार्ट फैसटिंग डे फ्रॉम टुमारो। सो अज 5 बजे जरूर आओ और खासकर मैं शुक्र करना चाहना भैनों भराओ तुम सू प्रोग्राम देखते हो, जिन्हों लोगों ने पर्सनली तौर पर मैं ईमेल भेजी है मैं उन्होंने नहायत शुक्रगुजार हाँ। अगर तुहाडे कोल खुदा दा कलाम नहीं, बाइबल नहीं है, कुछ लोगों ने मैनू ईमेल भेजी है, मैं बाइबल उन्होंने तक पहुँचाना चाहना वा पंजाबी दे विच, अगर बाइबल चाहिए मैनू किसी ने बाइबल गिफ्ट्स कीतियां ने फ्री ऑफ चार्ज मैं तुहानू भी देना चाहना वा, एक गिफ्ट होएगा मेरे वालों तुहानू। से वाई वी शुड फैसट, दिस इज़ अ क्वेश्चन एस्ड बाय पीपल। लोग इस सवाल करते हैं कि असी क्यों रोज़ा रखिए, क्यों बरत रखिए, वाई वुड ए परसन फैसट, असी क्यों रोज़ा रखिए, why would anyone purposely go without fast for days, week or even months? ki zarurat hai mainu, main dopahar da khana vi chhadda, raat da khana vi chhadda, shami vi khana na khaava, bhukha rahwa, ki zarurat hai? fir there's a complaint, log eh vi complain karde ne ki jadon main roza rakhna, we have headache, we have discomforts, we have weaknesses. When you tell people that I am fasting, they will comment, oh, I am so sorry for you, you cannot eat today because you are fasting. Often otherwise say to you, don't hurt yourself. Apne aap nu kyon dukh dende pe ho? Ki zarurat hai roza rakhan di? Khao piyo aish karo. But they are ignorant of the physical and spiritual blessings of fasting. उन्होंने पता ही नहीं कि रोज़ा रखने की की रूहानी ते की जिस्मानी जेड़ी ने वो फायदे ने, आत्मा दे विच की फायदा ते तुहाडे बदन दे विच की फायदा। रब जेड़ा वो रोज़े नू पसंद करदा, रब चाहता कि तुसी रोज़ा रखो। मैं 2009 तो लैके अज तक हर जनवरी दे विच 21 दिन का मेरी फैमिली मैं साढ़ा चर्च रोज़ा रखता, मैं 40 दिन भी रखना वा। फिर साल च हर हफ्ते मैं 3 दिन का रोज़ा, हर महीने दे विच हर वीकेंड ते मैं 3 दिन का रोज़ा रखना वा, यानी तकरीबन साल दे विच 60-70 रोज़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी ब्लैसिंग की, सब तो पहली ब्लैसिंग, अगर अज मैं इत्थे GTV दे उत्ते बोलना पिया वा इसलिए कि मैं फैसटिंग करना वा, दुआ करना वा। ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे TV ते आ जाना, बोलना, चैलेंज करना, बदरुआ नू कढ़ना, जादूगरी ना तोड़ देना, कैंसर नू शिफा देना, ये कोई आम बंदा नहीं हुंदा। ये रब तुहानू जदों तुसी रोज़ा रखते हो, जो तुसी दुआ करते हो, जो तुसी शैतान की कुवत नाल लड़ते हो, जो तुसी इबलीस दे सामने खड़े हो जाते हो, जो तुसी कैंसर दे सामने खड़े हो जाते हो, जो तुसी बीमारियों दे सामने खड़ोते हो, रूल कुदस तुहाडे अंदर कुवत भरदा रोज़े की वजह नाल। सो आई बीन फैसटिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस सिंस 2009, आई बीन फैसटिंग ऑल्सो बिफोर दैट, बट कंटिन्यूसली 21 डेज, 40 डेज
started in 2009 because of my pastor whom I learned from so much, Dr. Bob Rogers. And God loves fasting. खुदा चाहता है कि असी रोज़ा रखिए. कुछ लोग कहते हैं फैसटिंग जी पुराने जमाने का सी रिवाज, जोड़े पुराने कैथलिक चर्च सन वो रोज़ा रखते सन. कोई लोग कहें ओ यू आर सो लिगलिस्टिक बिकॉज यू आर फैसटिंग, पीपल डोंट लाइक यू वैन यू सेल टू दैम आई एम फैसटिंग. बट एज गॉड says in the book of Matthew, chapter 6, verse 16 and 18, Mati di marfat anjil, Mati da su samachar, da chata athiyai, chata bab, parne ya, Bible de vichu, agar tu adikol Bible hai, te menal khol sakde, agar nahi hai, te apne iPhone nu click karo, apne Android nu click karo, edhe chhe Bible undi hai, ya Google te chale jao, edhe chhe Bible hai, Matthew, chapter 16, Mati di anjil, da chata bab, chata bab, Matthew 6, verses 16 to 18. Let's read. Aiye parne. Othe likhya da. Jado tu roza rakhe. When you fast, be not as hypocrites of a sad countenance. Jab tu roza rakhe, to riyakaron ki tarah apni shakal na bigaad. When you fast, don't be like hypocrites of sad countenance. For they, this figure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Jab jo tu roza rakhe, te riyakaron vang apni shakal na vigad. Lokan nu na dasda phir ke main roza rakhya, main roza rakhya, main roza rakhya, main mar gaya, main khap gaya, oh mainu roza lagda pya ve. Aj main bada kamzor ha, main khana nahi khada, main maskeen ha, main barbad ho gaya. ए बाइबल कहती पी यीशु मसीह कहता पे कि इंज नहीं करना. बल्कि लिखे बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल लगा, अनॉइंट योर हेड विद ऑयल एंड वॉश योर फेस. जब तू रोजा रखे तो अच्छे कपड़े पा, अपने आप नु अच्छा परफ्यूम लगा, सिर ते तेल मल, लोग खुशी मना कि मैं आज रोजा रखे, आई एम फैस्टिंग. Wash yourself, anoint yourself. Anointing का मतलब है अपने आप में खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पाना. सिर ते तेल मलन का मतलब है कि तू खुदा दी हजूरी विच रह. क्यों? That though appear not unto men to fast, तुसी आदमियां लई रोजा नहीं रखते पे. पूरी दुनिया नूं दस के चर्चा नहीं करना कि मैं अज रोजा रखिया, मैं अज रोजा रखिया, मैं अज रोजा रखिया. दैट यू विल नॉट अपेयर अन टू मैन टू फैस्ट बट अन टू दाई फादर, ताकि दुनिया नहीं बल्कि तेरा बाप, अन टू योर फादर विच सीज इन सीक्रेट. तेरा बाप, आसमानी बाप, तेनू पोशीदगी जरा देखदा वे. बाइबल कह रही कि रोजा रखना इंसाना ले नहीं है, बल्कि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है. फॉर योर फादर विच सीज यू इन सीक्रेट एंड दाई फादर विच सीथ इन सीक्रेट शल रिवॉर्ड दी ओपनली. ओ देखदा पोशीदगी चे, लेकिन रोजे का रिवॉर्ड है, तेनू सब दे सामने इनाम देगा रोजा रखण दा. यीशु मसीह कह रहा रोजा रखण दी तलीम जेड़ी है वो खुदा वालों वे. असी दुनिया नू देख के रोज़ा नहीं रखना, लेकिन बाइबल कह रही कि रब जरा पोशीदगी तेन देखता पाया कि तू रोज़ा किस तरह रख रहे, तेरी नीयत की है. वो तेन ओपनली रिवॉर्ड देगा. ही विल रिवॉर्ड यू ओपनली. वॉट अ ब्लैसिंग, वॉट अ प्रोमिस. इंज का प्रोमिस थानू कित मिलना कि किताब च मिलेगा जी? कौन कहता पाया? यीशु मसीह कह रहा जिहड़ा आसमान तो आया, वह कहता पिया कि रोज़ा रखो, तेरा बाप आसमान ते जिहड़ा वे वह तेनों देख रहा वे कि तू रोज़ा रखे, वह तेनों रिवॉर्ड देगा. योर फादर हू सीज यू इन सीक्रेट शैल रिवॉर्ड दी ओपनली. देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर फैसटिंग विच एक्सीड्स
the physical discomfort. Fasting is not that I'm physically discomfort. Fasting is a blessing. It's not a sacrifice, but it's a weapon to achieve the impossible. Fasting jehdi hai eh koi tuhadi qurbani nahi, roza tuhadi qurbani nahi, lekin eh te ek hathiyar hai ke jehdi cheezan tuhadi zindagi ch impossible ne, jo tusi roza rakhoge oh possible ho jaangiyan. The reward is when I fast. Bible is saying when you fast. Log kehnde ne Bible ch kithe rakhya roza rakho, ek hi likhya hai. When you fast, जब तू रोजा रखे, ऐसा मतलब है तू रोजा रखना है. यानी लिखा जब तेरा दिल करे तू रोजा रख ना रख. इंज दी बाइबल च कोई ऐत ही नहीं. इट सेज वैन यू फैस्ट, इट मीनस यू हैव टू फैस्ट. हुण बाइबल दे विच यीशु मसीह ने भी रोजा रखा 40 दिन का एक रोजा. यीशु मसीह जरा रब का पुत्र सी, जो रब का कलमा वे, रब का कलाम है, उन्हें 40 दिन का रोजा रखा. बाइबल च तीन लोग ने, थ्री पीपल इन द बाइबल दे फैस्टेड 40 डेज. नंबर वन द लीडर ऑफ द लॉ, शरीयत का नुमाइंदा जड़ा लीडर ऑफ द लॉ मोसेस, ही फैस्टेड फॉर 40 डेज टू टाइम्स. फिर एलिया नबी, इलाइजा the leader of the prophets, nabiyan da sardar jehda hai, nabiyan da numainda, representing the prophets. Main tuhanu pichle program se dassya hai Musa de bare ch, Elia de bare ch. Agar hor janna chahunde ho te mainu call karo, email likho, main tuhanu dassanga ode bare ch ke Musa te Elia dobara aan wale ne. Moses and Elijah is going to come back to this earth. They will die in Jerusalem. All of you people watching this program on YouTube or wherever, you will see Moses and Elijah dying in the city of Jerusalem. And the Antichrist will show you that live coverage of two men of God dying in Jerusalem. And then on the third day, the Bible says, as their Savior, the Lord Jesus Christ, as He resurrected, those two people will be resurrected and taken to heaven. And the whole world, which is listening to me, whoever you are, you will watch it live. Because the Bible says it. And it will happen. To see live dekhoge, agar udo zinda hoye the. एक किताब कभी झूठ नहीं बोलती, एक किताब सच्ची है. जो कुछ दुनिया च हुंदा पिया इत्थे लिखिया जावे. कोई लियाओ किताब जिहड़ी ये दस सके कि दुनिया च की होना है. ये मुकाबले च कोई नहीं जे. ये रब दा सच्चा वचन है, ते मान लियाओ. यीशु मसीह खुदा दा पुत्र है, उत्ते मान लियाओ. सो फैसटिंग ब्रिंग्स अ सुपरनैचुरल ब्लैसिंग इन योर लाइफ. Fasting brings you to the throne of God. Roza rakhan naal tusi khuda de takht de samne aa jande ho. Tuhada iman ek naye level te aana shuru hunda hai. New faith in God and His word. Roza rakhan de vich tusi khuda da kalam bar bar padho. When you fast, you have to read the word of God and pray as much as you can, because it brings great faith in your life. Jesus taught that there are stubborn cases, there are stubborn evil spirits who will not depart your life. There are stubborn hindrances and obstacles in your life. Tuhadi zindagi ch aise teet kisam di badruan ne jehdi injan ni nikaldiyan. Is liye Bible ch likhya hai, eh kisam dua te roze de bagair nahi nikal sakti. This kind of spirit will not depart you unless fasting and prayer. Next program just continue karange roze de bare ch. We'll continue about fasting in the next program. Let me just pray for you this at this moment, that the anointing, I will release an anointing of fasting and prayer upon your life. Tuhade utte roze te dua di ik anointing jari ho jaye. Heavenly Father, khuda un tera shukr karne tu asmani pita mein
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16ਵੇਂ ਬਾਬ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 16ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਆਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣ, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी खबर। आप सबको हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट वीक फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। अगर आपको दुआ की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कीजिए, और पास्टर क्रिस्टोफर हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं दुआ के लिए, और संडे सर्विसेज में आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं समांथा क्रिस्टोफर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ ब्लेस्ड वीक अहेड। ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੇ